So, ladies and gentlemen, let us start with the module 159. Here, I am going to discuss about the leadership and creativity. Of course, leadership without creativity does not make sense, of course. But creativity in the different dimension, uh, what it could be the creative idea, uh, creativity could be positive, creativity could be negative. What sort of creativity would we? आई मीन इसेंशली फॉर द आंटरप्रनोरियल डेवलपमेंट सो अब इसको रिलेट करने की कोशिश करते हैं देन बिफोर दैट आई जस्ट वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू वन थिंग ट्राई टू स्कैन योर सेल्फ और अपने ट्रेड्स को देखिए करेक्टरिस्टिक्स को देखिए और कोशिश कीजिए कि आपकी लीडरशिप थेरी के मुताबिक आप अपने डेफिनेशन ऑफ द लीडरशिप को चेंज कीजिए इस पूरे बीस पच्चीस साल के अरसे के अंदर मैंने देखा और 22 साल के अंदर या 20 साल के अरसे में जितने भी बिजनेस स्कूल्स बने लीडरशिप का नाम इन्होंने इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया कि एवरीबडी बिकम द लीडर इसने एक ईगोइम एक साइकिक प्रिजन और एक ऐसी चीज़ का डेवलपमेंट की जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि किसी को फॉलो करना बुरी बात लीडरशिप डिज़ाइन का मतलब इस तरह से हो गया और उसकी कॉनोटेशन जो है वो बिल्कुल डिफरेंट हो गई हर आदमी अपनी लेयर में लीड जरूर करता है बट लीडर मस्ट बी द गुड फॉलोअर एज वेल यानी अगर आपने कमांड के साथ नहीं चलना तो फिर वो क्या होगा अगर आपने टेयर वाइज जो है वो कमांडेंट से आपने नेक्स्ट ईयर कमांड से फिर नेक्स्ट ईयर कमांड से या मिलिट्री ऑपरेशन में अगर आप देख लें तो उसमें हर स्टेप में आप इसको नाम दे सकते हैं लीड का बट फॉलोअर्स भी तो होते हैं किसी एक नए आइडिया के अंदर जो एक ब्रेन चाइल्ड हो मेरा तो वो मैं ही संभाल सकता हूं मेरे जगह कोई और नहीं संभाल सकता फिर दूसरे लम्हे के अंदर उसका राइट right हैंड एक आदमी होता है वो भी उसका विजन समझता है लेकिन उसको इनक्रिप्ट कर सकता है बट उसके बिहाफ पे डिसीजंस नहीं ले सकता ही इज द वेल इनफॉर्मड इन लिंक्ड इन विजन इनक्रिप्टेड पर्सन जिसने विजन के साथ अटैच हो गया ही बिकम द विजन पार्टनर बट आपने ये गाली बना दी दैट्स बिकम द क्या आप जो है एवरीबडी बिकम द लीडर दैट्स नॉट फेयर एट ऑल पॉजिटिविटी क्रिएट करते हुए सोसाइटी uh, में अक्सर ऐसा होता है क्या हो कहते हैं जी लीडर्स 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 सोसाइटी और आपने देखा कि माशरे के अंदर हर आदमी लीडर्स नहीं होते वन इज द लीडर लीडर्स आपने एक जंग का एक गजवा का वाकया बिसना का जब अलैहिस्सलाम ने एक और जगह पर तीन लोगों को भेजना था तो मुख्त लो, तीन लोगों के नाम आते हुए so आपने अगर फॉर एग्जाम्पल फॉलोअर्स होंगे न भी एक हुआ करता सो so आप जो है नेचुरल स्ट्रक्चर को खराब ना करें नेचुरल स्ट्रक्चर को खराब करके बहुत सारे आपको इस टाइम पर जो Uh, आपको मिल रहे हैं आर नॉट लेकिन ऑफ कोर्स हर कोई क्योंकि टिकटॉक का जमाना है तो leader, group, own, ना किसी की नल हाइपोथेसिस चेक, ना चेक होना है ना उसका थीसिस होगा ना एंटी थीसिस होगा ना क्रिटिसिज्म होगा सो एवरीबडी इज मूविंग ऑन लीडर कैन इन्फ्लुएंस एम्प्लॉय परफॉर्मेंस बाय

उन आ, को बर्ड्स को देखा है? या मुख्तलिफ जगहों से स्पेस लेते हुए परिंदों को देखें आप एक आगे जाता है बाकी पीछे जा रहे होते हैं फिर जब वो थक जाता है तो वो दूसरी टेयर में आ जाता है फिर वो थक जाता है तो तीसरी टेयर में आता है तो कंटिन्यूस कई महीने वो उड़ते रहते हैं तो जो थोड़ा स्लो होता है तो वह बैक टेयर पर आ जाता है दैन फिर वो उसको लीड देता है फिर उसको लीड देता है फिर उसको लीड देता है बट होता ऑपरेशन स्टाइल वही है जो पहली दफा जिसने वहाँ से टेक ऑफ किया था और बाद में लैंड कराने के लिए भी वही होगा जिसको रास्ता पता होगा अब आप यहां देखिए कि जो हम चेक करते हैं यहां पर कि लीडर्स क्या होते हैं? वो होते हैं हैं जी लीडरशिप लीडरशिप होती है के ऊपर अभी मैं बहुत डिटेल में नहीं जाता आप जरूर देखिएगा एक होती है ट्रांजिशनल लीडरशिप एक होती है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप देन इज एल एक्स बहुत ज्यादा मशहूर है ये आजकल नया आइडिया ऑफ द ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी हर कोई इसके ऊपर एल एम एक्स एल एम एक्स कर रहा

So, आप खुद से साथ साथ टांग मत अड़ाते जाइए दरमियान में टांग अड़ाएंगे तो डिस्ट्रक्शन पैदा होगा आप नॉइज क्रिएट ना करें आपने स्मूथ लीडरशिप यही होती है कि आप लीड किया देन एम्पावर किया डेवल्यूट किया और मुसलसल अगर आप पूछते रहेंगे और जो है वो डिस्टर्बेंस रहेगी टॉप टू बॉटम बॉटम टू बॉटम टू अप टॉप टू बॉटम टॉप टू बॉटम टू अप आप यह मुसल आपकाल एक्सचेंज रहेगा तो नॉइसिप ये मुख्य टाइप्स आ गई फिर इसका मल्टी लेवल मैकेजम डिफरेंट जिसमें टीम क्रिएटिविटी है टीम साइकोलॉजिकल सेफ्टी आती है क्लाइमेट फॉर द क्रिएटिविटी इनोवेशन आता है इन इंटरलिंक विद इंडिविजुअल लेवल मैकेजम में देखें तो मोटिवेशन मैकेजमिज्मेक्टिव मैकेनिज्म में देखें कि पॉजिटिव इफेक्ट मूड फीलिंग ऑफ द एनर्जी आपने कैसे स्पेस डिवेलप करनी है जिस तरह मैंने स्टीव जॉब का कहा सब लोग खड़े होकर काम कर रहे हैं आई पॉड्स पर काम कर रहे हैं बीम बैग लगाकर काम कर रहे हैं अगर आपका क्रिएटिव डिजाइन का काम है दैन इट्स गुड लेकिन अगर आप कोई स्ट्रक्चरल पॉलिसी बना रहे हैं और आप बीम बैग पे लेटे हुए हैं तो आपके आपका जो है वो बड़ा डिजास्टर पॉलिसी में आएगा फिर आपके इकोनॉमिक नंबर्स नहीं बढ़ेंगे आपको ग्रोथ फिक्टिशियस नंबर पे लेके जानी पड़ेगी और आपका जो है वो जेनली महंगाई होगी और आपको साबित करना पड़ेगा कि महंगाई नहीं है सो so, ये नंबर्स गलत हो जाएंगे देन मूव ऑन टू द दॉग्नेटिव मैकेनिज्म क्रिएटिव प्रोसेस एंड देन इंगेज एंड साइकोलॉजिकल सेफ्टी एंड आई एम रिपीट द वर्ड साइकोलॉजिकल सेफ्टी थिंग दट एम आई स्क्योर टू दैट वेजन एम आई नीडेड बाई द वैजन एम आई नॉट नीडेड बाई द वेन भाई मुझे वो चाह रहा है या नहीं चाह रहा उसको मैं चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं या नहीं चाहिए मैक्सिमम आप रेट निकालने पाकिस्तान में नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट आपको बताया जाता है यू आर नॉट नीडेड आई एम होल्डिंग यू अदरवाइज तुम गिर जाओगे प्लीज इस आइडिया से निकल आए नो बडी विल बी नो बडी विल डाउन आप छोड़ दीजिए आप हमारे वाले सब मत बने आप अपने वाले सब खुद बने आप अपने सिक्योरिटी खुद लेकर आए अपनी साइकोलॉजिकल सेफ्टी खुद लेकर आए क्या आपको जब स्किल पे मान होगा आपके स्किल्स होंगे आप कॉन्फिडेंस होगा आपके जो नर्व्स हैं वो मजबूत होंगे आपको काम आता होगा आप कभी भूखे नहीं मरेंगे ये प्रॉब्लम इसी प्रॉब्लम के साथ खेलते हैं तो सारे के सारे इंटरप्राइज के अंदर जो एम्प्लॉयज हैं उनका नंबर कभी बढ़ता नहीं है आपके माशरे में राइटर को इज्जत नहीं है आपके माशरे में स्किल लोगों को इज्जत नहीं है आपके माशरे में जो टेक्नीशियंस हैं उनको इज्जत नहीं देते इस वजह से क्योंकि वो बारगेन नहीं कर पाता वो बार्गेन इसलिए नहीं कर पाता कि वो तो बैक एंद, बैक एंड है और बैक स्टेज है फ्रंट एंड फ्रंट स्टेज को हमेशा ज्यादा पैसे मिलते हैं आपने एग्जाम्पल सुनी होगी कि नीचे का पेन जो है वो नाइनटी फाइव परसेंट होता है ऊपर का कैप पार्कर का मार्का लगा होता है उस कैप का क्या काम होता नथिंग जीरो सिर्फ शो ऑफ 95% ऑफ द लोअर पेन काम कर रहा होता रगड़ता है हर जगह काम करता है कितनी कहानियां लिखी होंगी उसने कितनी कैलकुलेशंस बनाई होंगी बट नोबडी नोस द लोअर पोजीशन आप अगर आप सूट के ऊपर पार्कर का ऊपर वाला लगा दें या मोम ब्लैंक का ऊपर का लगा दें काम चल जाएगा नोबडी नोस के नीचे क्या है. सो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल आपने अंडरस्टैंड करना है यू आर अ गुड फॉलोअर ऑन इट एंड गिव दिस अगर आपको लगता है कि आपके बगैर तो उतना चार्ज करें इंसेंटिव क्लेम करें और अपने आप को मजबूत बनाए मूविंग ऑन टू द क्रिएटिविटी एंड टीम क्रिएटिविटी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटिविटी के दो अलग अलग मल्टी लेवल इंडिविजुअल लेवल पे इंप्लॉय क्रिएटिविटी को एनालिसिस करना है इन मल्टी लेवल मैकेनिज्म के अंदर टीम क्रिएटिविटी और ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटिविटी को देखना है सो व्हाट आई इंश्योर इज Four tiers. One is leadership encouragement of creativity, trust in supervisor. Third is the supervisor' sportiveness, and then is the team empowerment and the team creativity. These are the crux of encouraged creativity, yeah, encouragement of the creativity. These are the main factor to develop the leadership and the creative leadership, and how we can use and turn into the profit or turn into the good team or turn into the good institution. Thank you very much.